नमस्कार, आप देख रहे द BNY न्यूज। हमें विवेका कल के बंद को देखते हुए पटना में पुलिस वालों ने नेताओं का धड़ पकड़ अभियान शुरू कर दिया। हर उन नेताओं की खोज जारी है जो नेता गण कल बंद कराने में रहेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी के अमर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें थाने ले जाया गया और वहां कहा जा रहा है कि आप शपथ पत्र दें कि कल के बंदी में मैं भाग नहीं लूंगा तो छोड़ा जाएगा। और अखलाक अहमद सहित मनीष यादव और पप्पू यादव की खोज जारी है। पप्पू यादव के विषय में कहा जाता है कि पप्पू यादव भी कल के बंद वामपंथी के बंद जो आहूत किए गए थे उसमें पप्पू यादव ने भी समर्थन किया है और कल वो नजरबंद थे। पप्पू यादव आज पटना आने के दरमियान में कहीं हैं, रास्ते में हैं, झंझारपुर से लौटने में, तो निगाह रखी गई है। पप्पू यादव को भी रोका जा सकता है या नजरबंद किया जा सकता है। साथ ही साथ जाप पार्टी के अन्य नेताओं की भी खोज जारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने ध्यान रखा है, उन नेताओं को खोजा जा रहा है जो नेता कल के बंद का समर्थन करेंगे। आज के बैठक में VIP पार्टी, हम, RLSP, सारे नेताओं के द्वारा कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है कल के बंदी को और पुलिस लगी हुई है कि किसी भी तरह उन सारे बड़े नेताओं को पकड़ लिया जाए जिन नेताओं के कारण कल की बंद में ज्यादा जोर लगे रहेगा नेताओं के द्वारा, तो उन्हें ही रोक लिया जाए। और मैं यह भी बता दूं कि कई तरह के दिशा निर्देश पटना के DM कुमार रवि ने जारी किया है और उस दिशा निर्देश के तहत कहा गया है कि कल के बंदी में सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने और आने जाने वाले को कष्ट पहुंचाने सहित अन्य गलती करने पर सरकार सख्त से सख्त कानून के तहत कार्रवाई करेगी। ऐसा आदेश आज पारित कर दिया गया पटना के DM कुमार रवि के द्वारा। तो मैं बता दूं आपको कि कल का बंद पूर्व घोषित बंद है, वाम दल के द्वारा आयोजित करी गई है, लेकिन भीम आर्मी, पप्पू यादव की पार्टी, जाप, RLSP, हम, VIP सहित कांग्रेस सहित अन्य छोटे बड़े दल सारे लोग कल के बंद में समर्थन कर रहे हैं और इसलिए पुलिस वाले चुन चुन कर नेताओं को गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। पप्पू यादव की भी खोज जारी है। पप्पू यादव अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। मनीष यादव जो पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं उनकी भी खोज जारी है। अखलाक अहमद की खोज जारी है। रघुपति सिंह की खोज जारी है। बहुत सारे नेताओं की खोज जारी है, लेकिन सारे नेतागण भूमिगत हो गए हैं कल के बंद को असफल करने के लिए। पुलिस सरकार के निर्देशानुसार दमनात्मक कार्रवाई करने में पीछे नहीं हट रही है। रात भर छापेमारी चलेगी, ऐसी सूचना मिल रही है। दमनात्मक कार्य चलता ही रहेगा रात भर। अब कल के बाद 21 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने भी हुंकार भरा है और उन्होंने भी बंद का आह्वान किया है और उस बंद को भी अभूतपूर्व बंद के रूप में देखा जाएगा, ऐसी जानकारी मिलती है। जबरदस्त तैयारी चल रही है और आगे सरकार और पुलिस की क्या कदम रहेगी वह तो 21 आने से पहले पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना न भूले। धन्यवाद।